ये फ्रेंड्स, हम लोग को मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंफॉर्मेटिव ऑफ ट्रांसमिशन एंड एग्जीबिशन, इसमें आप लोग को स्वागत है। हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉप डाया, उसका जो पहले वीडियो लोड किया था उसका कंटिन्यूएशन कर रहा है, इसको पार्ट टू कर रहा है। बिकॉज वो वीडियो इसको अगर साथ में करता तो और भी बढ़ जाता। हम लोग पार्ट वन में यहाँ तक प्रूफ किया था RAY equal to WP cos alpha, WP is the weight of prop. WP equal to weight of prop. Alpha, जो prop horizontal के साथ angle कर रहा है, that is alpha. ये alpha हमको मिलेगा आपका tower slope से सबसे। एक फ्लेंज के लिए आर ए वाई इक्वल टू ये आएगा, आधा फ्लेंज के लिए आर एक्स डब्ल्यू बी कॉस अल्फा बाई टू है। ये कैसे आ रहा है आप पहले वीडियो को रिफर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसा हमने बोला था कि ये दोनों इंटरचेंज करेगा, इसलिए अगर ये फोर्स इधर करेगा आर ए वाई होगा तो उधर आर ए एक्स हो जाएगा। तो हम लोग जब वेट को वेट ऑफ स्टाफ को जब हम लोग रिजल्ट किए थे कॉम्पोनेंट में, तो उसमें तीनों फोर्स आया था डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू एस एक्स एलएमएक्स एक्सिस डब्ल्यू ये डब्ल्यू एस है, ये डब्ल्यू एस जेड और ये आया था आपका डब्ल्यू एस वाई डब्ल्यू एस एक्स। ठीक है, ये इसके लिए नहीं आएगा, ये ऐसा आएगा, सॉरी ऐसा आएगा। ये दोनों का अंदर जो बड़ा होगा, ये इसके लिए हम लोग को आर एक्स और आर वाई ये दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम ही है और ये दोनों का जो बड़ा है उसको ही लेना है, क्योंकि इसको जो आर एक्स और आर वाई फ्रेंच को चेंज कर हिसाब से इसका डायरेक्शन एक फ्रेंच के लिए इसका साथ इक्वेट करेंगे तो एक तरफ आएगा, दूसरा फ्रेंच के लिए उल्टा आएगा, इसलिए ये दोनों का अंदर जो बड़ा है वो इसका साथ इक्वेट करेंगे हम। तो हमने कैलकुलेशन के लिए क्या किया कि हमने पकड़ लिया है कि डब्ल्यू एस वाई एक्स वाई ग्रेटर देन डब्ल्यू एस एक्स। ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू एस एक्स डब्ल्यू एस वाई से बड़ा होगा। वो कैसे होगा वो जब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल का साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब पता चलेगा कि डब्ल्यू एस वाई बड़ा है कि डब्ल्यू एस एक्स बड़ा है। जस्ट एक्सप्लेन के लिए हम समझ रहे सोच ले रहे हैं कि वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट डब्ल्यू एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू एस एक्स। तो इसके मतलब आर ए वाई और आर एक्स ए दोनों का बीच का जो बड़ा है इसके इक्वेट कर दिया, दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो हमने अभी क्या किया कि आर एक्स का जो वैल्यू है आर ए वाई ये हमने लिखा कि डब्ल्यू पी कॉस अल्फा WP cos alpha by 2 equal to WS y। अभी WP क्या हो गया इसको हमने जस्ट मल्टीपल करके कर दिया कि WP equal to 2 WS y by cos alpha। अब ये WP मतलब weight of prop, weight of prop का कैसे होगा ये तो सभी को पता है कि now this is the volume into density into g। अभी volume क्या है pi by 4 d square into l, ये है लेंथ ऑफ द प्रॉप। हमको लेंथ ऑफ द प्रॉप पता है, हमने कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ द प्रॉप। ये डी जो है ये डी को हम पहले कैलकुलेशन का सिंपलिसिटी के लिए हम पकड़ लेते हैं कि ये जो डाया है ये सॉलिड रॉड है, बट प्रॉप सॉलिड रॉड होता नहीं है। हम कैलकुलेशन का सिंपलिसिटी के लिए हम पकड़ के पहले चल रहा है कि इसका सॉलिड रॉड का डाया डी है। तो इसको हमने डालने के बाद यहां हमारा आया दिस इज 2 WS y। अभी इसका अगर g किया तो यहां भी g, इसलिए किया कि ये जो WS y रहता है वेट का स्टाफ वो kg में रहता है। हमने इसको अगर न्यूटन में किया तो इधर भी हमने न्यूटन किया, इसलिए दोनों तरफ g g कट गया। g काटने के बाद जब सिंपलिसिटी करके दिखाया कि d इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 4 इंटू 8 WS y इंटू पाई इंटू एल इंटू रो कॉस अल्फा। ये हमारा आ गया डाया ऑफ द सॉलिड रॉड।
अभी हमको हॉलो है, एक्चुअली ये प्रॉप हॉलो होता है, तो इसलिए हमको हॉलो का डायमीटर चाहिए। वो हमने कैसे करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो दोनों प्रॉप है, ये दोनों का प्रॉप मतलब सॉलिड रॉड और हॉलो रॉड दोनों का लेंथ सेम एंड दोनों का वेट बराबर है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज पाई बाई फोर, दिस इज डी स्क्वायर, हम यहां सॉलिड लिख रहे हैं, इंटू ए लिखा, इंटू रो लिखा, इंटू जी लिखा। इसके बाद इसको क्या रहेगा, हॉलो सॉलिड पाई बाई फोर, इसको डी एच एस का लिखेंगे क्योंकि हॉलो का डायमीटर हमने डी एच ले लिया। इसका इनर डाया को हम लोग पकड़ लेते हैं, या भी डी एच ओ आउटर डाया, डी एच आई इनर डाया, ठीक है, इंटू लेंथ इंटू रो इंटू जी, हमने क्या कर दिया, पाई बाई फोर दोनों तरफ कैंसिल, एल कैंसिल, रो कैंसिल, जी कैंसिल, तो इक्वेशन में क्या आएगा, डी ए स्क्वायर इक्वल टू डी एच ओ स्क्वायर माइनस डी एच एस स्क्वायर। अभी इसको कैसे पता चलेगा, हम कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या है, डी एच आई इक्वल टू डी एच ओ मतलब आउटर डाया ऑफ दैट पाइप माइनस टू टी, टी मतलब थिकनेस ऑफ द पाइप, इसे माइनस करेंगे तो ये मेरे को मिलेगा। तो यहां अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या रहेगा, डी एस स्क्वायर इक्वल टू डी एच ओ स्क्वायर माइनस डी एच ओ स्क्वायर, डी एच ओ माइनस टू टी स्क्वायर होल स्क्वायर, यहां से हमको डी एच ओ मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये डी एस हमको पता है, तो यहां से हमने डी एच ओ हमको मिल जाएगा, विल गेट अ डी एच ओ। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि हम थिकनेस क्या पकड़ेंगे, हम थिकनेस अपना सुविधा के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि यहां डी एच ओ को ये नहीं, ऐसा नहीं सच, मतलब समझ के हम ये ले लेते हैं कि डी एच आई इक्वल टू ऑलमोस्ट 90% ऑफ डी एच ओ, ये आपका जो पाइप का जो चार्ट है आई स्पॉट का हिसाब से अब रिफर करेंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो इंटरनल डाया इसका 90% ऑफ डी एच ओ होता है, तो हम इसको यहां पुट करेंगे। सो स्टेट है, इसको यहां नहीं जाके थोड़ा इसको टी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, डी ए स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू डी एच ओ स्क्वायर लिखेंगे माइनस 0.9 डी एच ओ स्क्वायर करेंगे, तो सीधा इक्वेशन डी एच ओ में आ जाएगा। सो नाउ वी विल गेट वन इक्वेशन समथिंग डी एस ओ डी एच ओ, वी कैन गेट डी एच ओ इन द फॉर्म ऑफ डी एस, हमको डी एच ओ मिल जाएगा। तो डी एच ओ के हिसाब से हमने डी एच यहां बैठाएंगे, इसका थिकनेस मिलेगा। अभी पाइप का जो चार्ट है उसी हिसाब से हम इसको देख लेंगे कि ये जो डी एच ओ जो हमने लिया है उसकी रेस्पेक्टिव ये थिकनेस उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरे जो डी एच ओ आ रहा है और उधर जो दिया है वो टेबल के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो टेबल में इसका ऊपर वाला हायर साइड दिया हुआ उसको लेंगे और रेस्पेक्टिव इसकी थिकनेस को ले लेंगे, उसको लेके डी एक्स का साथ कंपेयर करेंगे, तभी हमको समझ, देन वी विल गेट एन एक्चुअल फिगर ऑफ डी एच ओ। अभी डी एच ओ मिल गया, मेरा डायमीटर मिल गया, प्रॉप का थिकनेस भी मिल गया,
तो मतलब अगर हम इसको प्रॉप को ऐसे ड्रॉ करें तो ये अगर ऐसा है दैट वी गेट इट डीएच ओ मिला और ये डीएच ओ इज आई मिल गया, मेरे प्रॉप का लेंथ तो पहले ही मिल गया था, जो प्रॉप का लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वहां से हमको मिल गया। अभी यहां एक चीज है, ये तो मिल गया, इट इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन गुड, बट इसको हमको फोर्स का स्ट्रेस पे स्ट्रेस का हिसाब से इसको टैली करना है कि जो डीएचओ और डीएचए हमको मिला और इसमें जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा ये दोनों मैच करता है कि नहीं करता है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए इसमें तीनों फोर्स काम करेगा, तीनों फोर्स क्या क्या, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। वो क्या 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 फोर्स काम करेगा देखिए, देयर विल थ्री फोर्स, सॉरी थ्री नहीं, मल्टीपल फोर्स काम करेगा, मैं बताता हूं कौन सा फोर्स है। वन फोर्स इज टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, सेकेंड वन इज शेयरिंग फोर्स, थर्ड वन इज बेंडिंग एंड फोर्थ वन इज बकलिंग। ये चारों टाइप का मैंने फोर्स से ज्यादा मैं बोलता हूं कि चारों टाइप का इंसिडेंट प्रॉप का साथ घट सकता है। कैसे घटेगा मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सी दिस इज द प्रॉप, ये इधर खींच रहा है, दिस इज लाइक दिस, अभी डब्ल्यू का सल्फा इधर जा रहा है और इधर का जो हो आपका, जब हमने प्रॉप को ड्रॉ किया था आपने देखा होगा कि प्रॉप को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था, इधर ये इधर, इधर एक, इधर एक, ये इधर, इधर एक, इधर एक, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स इधर जा रहा है जिसको हम आर एक्स करके लिखा था, इधर एक फोर्स आर बी एक्स है, ये आर बी एक्स है और डब्ल्यू पी साइन अल्फा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है, आर एक्स को ये दोनों का साथ इक्वेट होना है, ठीक है, तो आर बी एक्स होगा। इसके मतलब अगर मैं क्रॉस सेक्शन में इसमें आऊं तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसा आएगा, इधर फोर्स आर एक्स, इधर फोर्स लेट अस ये फोर्स को हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए ले लेते हैं से आर ए डैश, तो आर डैश ए एक्स, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है तो क्या करेंगे, ये टेंसाइल स्ट्रेस को डेवलप करेगा, हमको इक्वेट करना है टेंसाइल स्ट्रेस का साथ। तो इसके लिए क्या है, मैं पहले टेंसाइल को एक्सप्लेन कर देता हूं तभी अच्छा रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आर एक्स का वैल्यू हमको पता है, मैंने बोला था कि आर एक्स जो है और आर यू वाई जो भी इंटरचेंज रहेगा, इधर इंफ्लुएंस के लिए आर एक्स है तो उधर के लिए आर एक्स आर यू वाई हो जाएगा टेंसाइल फोर्स के लिए। तो जैसा आर एक्स का हमने किया था, हमको पता है कि आर एक्स और आर वाई इक्वल टू जो ज्यादा है उसको लिया था, राइट, तो हमको आर एक्स का मिल गया। तो अभी क्या करेंगे हम इसको, पाई बाई फोर डी एच स्क्वायर माइनस डी एच आई स्क्वायर राइट इनटू सिग्मा टी, सिग्मा टी मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, ये इक्वल टू हम कर देंगे दिस इज डब्ल्यू एस वाई जो ज्यादा होगा, यहां से हमको टेंसाइल जो स्ट्रेस आएगा वो हमको वी कैन गेट इट द वैल्यू फोर पाई डी एच स्क्वायर डी एच माइनस स्क्वायर माइनस डी एच आई स्क्वायर। आप ये वैल्यू करेंगे तो यहां एक फिगर आएगा। अब ये फिगर हम लोग क्या करें, प्रॉप को एम एस स्टील से बनाते हैं,
दिस सिग्मा टी शुड बी लेस देन जो अलाउबल टेंसाइल स्ट्रेस है माइल्ड स्टील का अलाउबल इससे कम होना है। अभी माइल्ड स्टील का अलाउबल स्ट्रेस ऐसा आता है कि वो कुछ 100 के आसपास आता है माइल्ड स्टील अलाउबल। इससे ये जो हमारा कैलकुलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस है ये इससे कम होना है। अगर हुआ तो इसके खेत में हम लोग ये जो कैलकुलेट करके निकाला है दिस इज करेक्ट। सो एक टेंसाइल फोर्स का मामला खत्म। अभी हम क्या आएंगे शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स के लिए हमको क्या करना है दिस इज दिस ये आर ए वाई हमने किया था ये आर ए बी वाई किया था। मैं एक फ्लेंज को कर रहा था अलग के लिए तो आपको पता ही हो गया मैं एक फ्लेंज के लिए कर रहा हूं। यहां क्या आया था डब्ल्यू पी कॉस अल्फा राइट। ये दोनों का मान हमको हमको पता है तो हम क्या करेंगे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या रहेंगे ये फोर्स ऊपर आ रहा है मतलब दिस इज माइनस ये मिडिल पॉइंट में ऐसे आएगा ये ऐसे जाएगा ये ऐसे आएगा ये आपको पता है दिस इज शियर फोर्स बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी। तो यहां से क्या आएगा यहां से जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मैक्सिमम शियर फोर्स आएगा वो क्या वैल्यू रहेगा वो वैल्यू रहेगा यहां से द मैक्सिमम शियर फोर्स मतलब हम लेते थे से एफ एस यहां मैक्सिमम आएगा डब्ल्यू पी कॉस अल्फा बाय टू। हम किसको यहां से हमको ये डब्ल्यू पी हमको पता है कॉस अल्फा हमको मालूम है टू को तो पता ही है तो यहां से हम क्या करेंगे इसको अभी एफ एस जो आएगा एफ एस के लिए हम क्या करेंगे ना पाई बाई फोर सेम फॉर्मूला डी एच जीरो स्क्वायर माइनस डी एच आई स्क्वायर ओके इंटू टाउ टाउ मतलब दिस इज शियर स्ट्रेस इक्वल टू डब्ल्यू पी कॉस अल्फा बाई टू हमको सब पता है। यहां से जो टाउ रहेगा ये टाउ हमको जो कैलकुलेटेड है दिस इज कैलकुलेटेड शुड बी लेस देन टाउ अलाउबल ऑफ इमेज ये हमको पता है इमेज का कितना आएगा यहां से ये कैलकुलेटेड इसे कम होना अगर हो गया तो मतलब ये जो प्रॉफ है ये शियर फोर्स में फेल होगा नहीं राइट। अभी हमको क्या रहेगा तीसरा आएगा बेंडिंग। तो बेंडिंग के लिए हमको क्या करना है सेम चीज है हमको पता है कि बेंडिंग के लिए क्या रहेगा हम लोग बेंडिंग मोमेंट को अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसा रहेगा ये ऐसा है ठीक है ये रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो यहां मिडिल पॉइंट में क्या आएगा हम लोग को क्या पता है क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट इज पॉजिटिव ये मोमेंट क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसलिए इसको नेगेटिव कर दिया या जीरो कर दिया। इसका वैल्यू क्या रहेगा इसका वैल्यू आएगा अगर मैं सेक्शन से यहां से इसको पकड़ लेता हूं तो इधर क्या है ये पहले सेक्शन में यहां पकड़ा ये पकड़ा यह जीरो है यहां जब आएगा तो क्या रहेगा आरबी वाई इंटू एल वाई टू ए पॉइंट में यहां अगर मैं यहां लेके आयू तो क्या रहेगा अभी इसी पॉइंट में आएंगे तो क्या रहेगा आरबी वाई बाई एल माइनस डब्ल्यू पी ए आएगा कॉस अल्फा राइट। डब्ल्यू पी कॉस अल्फा इंटू एल बाई टू ठीक है इसका मान हमको पता है ठीक है ना। तो
यहां से क्या आएगा, इसका मान डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कॉस अल्फा माइनस एल बाई टू, अभी बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, हमको जो बेंडिंग स्ट्रेस जो आएगा ना उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बी बाय वाई, राइट, ये एम है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम यहां से अगर रिफर करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां आएगा, देखिए ये यहां सेक्शन आएगा तो यहां जीरो, यहां आएगा तो क्या रहेगा और बी वाई इंटू एल बाई टू, राइट, एक इधर आएगा ये माइनस ए पॉइंट में, मतलब अगर मैं ए बी सी लिखूं, अगर मैं एम बी इक्वल टू लिखता हूं, एम बी इक्वल टू माइनस दिस, इसका मतलब आर बी वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा बाय टू इंटू एल बाई टू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इंटू एल बाई फोर, राइट, और ए पॉइंट में क्या आएगा, एमबीए में आएगा जीरो, तो इसलिए इसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे रहेगा, दिस दिस दिस, सो दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हम यहां क्या करेंगे, ये हम कर लेंगे यहां डब्ल्यू कॉस अल्फा एल बाय फोर, ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है पाई बाई 16 डी एच जीरो स्क्वायर माइनस डी एच आई स्क्वायर सॉरी फोर सॉरी इक्वल टू सिग्मा बी, हमको निकालना है वाई इक्वल टू क्या रहेगा डी एच जीरो बाई टू, यहां से हमने इक्वेट करके क्या रहेंगे सिग्मा बी आएगा, राइट, हमको सिग्मा बी हमको मिलेगा, कंडीशन क्या है, सिग्मा बी शुड बी 0.66 सिग्मा वाई, सिग्मा वाई मतलब है यील्ड स्ट्रेस का जो है इसका 0.66 से सिग्मा बी को कम होना है। तो हम इसको देख लेंगे, अगर ये मिल गया तो ये जो डायमेंशन है बराबर है, तो ये वीडियो को भी हम यहां बंद कर रहा है बिकॉज ऑलरेडी इट हैज गॉन टू मैक्सिमम 20 मिनट्स और सो, बाकी इनको करेंगे तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, इसलिए वीडियो को यहां हम क्लोज कर रहे हैं। आप लोग को जैसा मैं बोला कि शेयरिंग करिए, सब्सक्राइब करिए, जो जो अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं लाइक करिएगा और वॉच करिए थर्ड मतलब पार्ट थ्री के लिए, पार्ट थ्री भी हम लोग जल्दी इसको लोड कर देते हैं। थैंक यू जेंटलमैन।